हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं हूँ नागपुर में और नागपुर में मैं इस जगह पे हूँ जो पंचशील स्क्वायर है। पंचशील स्क्वायर से अपना जो ये लोकपत स्क्वायर की तरफ जो रास्ता जाता है उसके बीच में है बिग बाज़ार, और बिग बाज़ार के जस्ट अपोजिट एक जो प्लेस है ये है गोली वड़ा पाव। तो वड़ा पाव के तो काफ़ी सारे स्टॉल्स है यहाँ पर, लेकिन मैं सोचा कि चलो एक फ्रेंचाइजी वाला है शॉप, तो फ्रेंचाइजी शॉप में से कुछ खरीदा जाए। तो आइए इसका रिव्यू लेते हैं। तो मेरे सामने ही है गोली वड़ा पाव। तो ये जो गोली वड़ा पाव है जो यहाँ पे है पंचशील स्क्वायर, और ये जो रास्ता जा रहा है सीधा ये जा रहा है लोकमत स्क्वायर की तरफ, और बीच में सामने में है बिग बाज़ार। तो इन फ्रंट ऑफ बिग बाज़ार बिल्कुल ये आपको मिलेगा गोली वड़ा पाव। तो गोली वड़ा पाव में अभी हम चलते हैं। तो ये है दोस्तों गोली वड़ा पाव। तो यस, सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी है। फ्रंट में ही एक थोड़ा स्ट्रीट फूड का भी मज़ा आए, इसलिए बाहर में यहाँ पर चेयर्स भी रखी हुई है एकदम स्ट्रीट के बाजू में भी है। तो आइए देखते हैं इनके पास में क्या क्या मेनूस है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि क्या क्या मेनूस है। मैं आपको पूरी ये मेनू की लिस्ट डिटेल में देता हूँ, तो ताकि आपको जब भी आना रहे, आप जहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हो वहाँ पर आपको मेनू कार्ड में क्या क्या लिखा है, वो आइटम्स क्या क्या प्राइस से है, यह सभी आपको दिख जाएगा, ताकि उस टाइप से आप प्रिपेयर होकर शॉप में आ सको। तो ये जो मेनू कार्ड है वहाँ पर जो प्राइस लिखी है वो आपको गोली वड़ा पाव के नागपुर के जितने भी शॉप्स है वहाँ पर सेम प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो लेट्स वॉच। ये यहाँ पर है पनीर वड़ा। सबसे पहले तो है पनीर वड़ा, इसका प्राइस है 75 रुपीज़। तो ये जो पनीर वड़ा है, पनीर वड़ा के बाजू में पनीर वेरायटी की काफ़ी सारी वेराइटीज़ है, जैसा कि पनीर वड़ा पाव जो कि 75 में है, ग्रिल्ड पनीर वड़ा पाव, पनीर चीज़ वड़ा पाव, पनीर शेजवान, फिर आया मेयोनीज, फिर आया डबल चीज़। तो जैसे जैसे इसके आइटम्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसका प्राइस भी बढ़ते जाता है। उसके बाद में है एक मक्का पालक। तो सेम टाइप से अब मक्का पालक में यदि आप चीज़ डालते हो तो उसका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। मक्का पालक में आप ज़्यादा चीज़ डालते हो, यदि ट्रिपल चीज़ होता है तो वो भी प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मक्का पालक में मेयो ट्रिपल चीज, तो उस टाइप से रेट भी बढ़ेगा। अब उसके बाद आता है महाराजा वड़ा पाव। तो ऐसे तो इसकी प्राइस है 40। ये जो भी इस साइड के आइटम है ये 75, ये 45, ये 40। लेकिन इस जो भी वेराइटीज है इसमें अगर कुछ कंटेंट इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसकी प्राइस इस साइड में दिखाई दी है। ये महाराजा वड़ा पाव की काफ़ी सारी वेराइटी है दोस्तों, शायद एक वीडियो में पूरी वेराइटीज देखिए, काफ़ी सारी इनके पास में वेराइटी है और ये सभी अवेलेबल है। तो इतनी सारी जो वेराइटी है मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, और चाहे तो आप वहाँ का जो मेनू कार्ड मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो में तो उसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आप भी हम बाकी का देखते हैं। ये है क्रिस्पी वड़ा पाव। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना दोस्तों और इसका प्राइस आप चेक कर सकते हो। फिर है हरा भरा वड़ा पाव। तो हरा भरा वड़ा पाव में भी वही चीज़ डालो, मेयोनीज डालो, डबल चीज़ डालो, ट्रिपल चीज़ डालो, रेट बढ़ जाएगा। चीज़ वड़ा पाव में ये है और भी वैरायटीज़ हैं, चीज़ बर्स्ट वड़ा पाव ये 75, पनीर इटालियन वड़ा पाव ये है 80, उसमें सिजवान, फिर आता है चीज़, डबल चीज़, ट्रिपल चीज़, इस टाइप से। उसके बाद में एक है ये मिक्स वेज कटलेट वड़ा पाव। तो मिक्स वेज कटलेट के वड़ा पाव के इतने सारे प्राइजेस है। आलू टिक्की वड़ा पाव, आलू टिक्की मेयो डबल चीज़, फिर ये मसाला वड़ा पाव जो है 40, क्लासिक वड़ा पाव 25। अब इसमें भी अगर कुछ डालते हैं तो इसका जाहिर सी बात है कि प्राइस थोड़ा बढ़ेगा। और शेजवान वड़ा पाव, मिक्स वेज कटलेट वड़ा पाव, ये भी है आलू टिक्की वड़ा पाव, ये आ गए है। तो दोस्तों आप ये जो मेनू कार्ड मैंने जो शो किया हुआ आपको, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इनके कुछ अलग आइटम्स है जैसे कि रोल्स है, गोली रोल्स है, साइड्स है, और चीज साइड्स, वेस्ट साइड्स, ये इसका भी मैं एक आपको कैटलॉग दिखाता हूँ ये किस टाइप से है।
ये इसमें आ गया है देखिए, ये गोली रोल्स है कुछ, तो गोली रोल्स आता है 70 में, मक्का पालक रोल, हरा भरा रोल, पनीर रोल, पनीर टिक्का इन्होंने क्रॉस करके रखा है क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है। साइड्स, साइड जो होता है ये चीज चिली ब्रस्ट, उसके बाद में प्लेन फ्राइज, इसका नाम है चटका फ्राइज, पेरी पेरी फ्राइज, ये फ्राइज की सभी आइटम है। फिर ये है चीज साइड्स, यानी चीज जलपेनो बाइट्स जो आते हैं गोल शेप के। फिर चीज कॉर्न बॉल्स, इसके अंदर में कॉर्न का फ्लेवर आएगा, साथ में कुछ चटनी रहेगी। चीज उंगली, ये तो भैया ये उंगली वाला भी अलग ही किस्सा है, नाम भी ऐसा दिए चीज उंगली, लेडी फिंगर सुना था, अभी ये उंगली भी आ गई गोली वड़ा पाव में। मोजरीला स्टिक्स है, तो कुछ अलग स्वाद है। साबुदाना वड़ा भी मिलता है, वाह, यदि उपवास है किसी का और आ गए तो वो भी निराश होकर नहीं जाएंगे, साबुदाना वड़ा खा सकते हैं। चिली गार्लिक पॉप्स, जो छोटे छोटे बॉप्स रहते हैं वो 40, वेज फिंगर 45, ओनियन रिंग्स 50। तो ये जो काफ़ी सारे जो आइटम्स हैं, इकोनॉमी प्राइस है, इसमें आसानी से आप एक अच्छी टेस्ट ले सकते हो। जैसा कि अभी गोली वड़ा पाव क्यों इतनी जल्दी फेमस हुआ, क्योंकि एक सिमिलर जो टेस्ट रहती है ना, जैसे मुंबई की जो टेस्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में सेम टेस्ट मिल जाए, इसलिए उनका एक फार्मूला, स्ट्रिक्ट फार्मूले के साथ में उन्होंने जो बनाए हैं, और हर काउंटर पे आपको सेम टेस्ट मिलेगी। तो जैसा कि मैंने मेनू कार्ड तो दिखा दिया, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप एक बार फिर से डिटेल चेक कर सकते हो। और आइए थोड़ा कुछ शॉप का हम जानकारी लेते हैं, और सबसे पहले तो मैं ऑर्डर देता हूँ यार, बातें करते रहूँगा और तब तक मेरा ऑर्डर बन जाएगा, भूख भी काफ़ी लगी है। तो अभी इनमें से मैं एक चूज़ कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा, ये मैं लूँगा पनीर इटालियन वड़ा पाव। अब पनीर इटालियन वड़ा पाव इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि इसके पहले भी मैं गोली वड़ा पाव का मसाला वड़ा पाव बाकी सभी आइटम मैक्सिमम चेक कर चुका हूँ मैं, तो आज बोला चलो कुछ पनीर इटालियन भी आपको एक नया स्वाद देखने को मिलेगा, साथ में इसका रिव्यू भी मिलेगा। तो इस टाइप से शॉप है, इधर में शायद कुछ नया आइटम भी लॉन्च होने वाला है, गोली पाव भाजी, गोली मिसल पाव, उसके बाद में पाव भाजी के इतने सारे कुछ आइटम्स है, ग्रिल्ड मारा महाराजा वड़ा पाव, मेव चीज़ वगैरह आइटम, तो वही है सेम लगभग नुखाड़ वाले ये है। और दोस्तों ये है मेरे बाजू में एक मेनू कार्ड नया, तो इसमें कुछ आइटम्स ये ऐड करने वाले हैं अभी, जैसे कि टाइप्स ऑफ मोमोज, मोमोज भी आने वाला है, तो स्टीम के ऊपर स्टीम मोमोज क्रॉस कर दिए क्योंकि ये फिलहाल तो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, लेकिन फ्राइड मोमोज अवेलेबल जल्दी हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वहाँ पर राइट मार्क किया है। वैसे भी पेरी पेरी मोमोज, ये जो इनके प्राइस भी है देखिए काफ़ी इकोनॉमिक प्राइस है, 135, 25, 110, उनके जो आइटम्स है ये है वेजिटेबल मोमोज, पनीर मोमोज, मिक्स वेज मोमोज इत्यादि। तो दोस्तों ये तो अभी हो गया, आइए इनका किचन देखते हैं किस टाइप से बनता है। देखिए ये सभी आइटम, वाह 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 वाह, ये बन गया है, ये ऑनलाइन ऑर्डर है भैया का, तो भैया से मुलाकात करेंगे शायद वीडियो में इसके पहले दिखे। भाई आपका शुभ नाम? निखिल सरवरे। निखिल सरवरे, और हमारे जो फ्राई कर रहे हैं, मेरा जो ऑर्डर बना रहे हैं हमारे भैया, भैया आपका नाम? कोड़ापे। नितिन कोड़ापे, नितिन भाई हमारे लिए बड़े प्यार से बना रहे हैं, इनका बनाने का तरीका देखिए, जो मेरा आइटम जो रेडी हो रहा है बहुत बढ़िया यार, ऐसा अगर आप लाइव देखोगे तो खाने का मजा दुगना हो जाएगा, और ऐसा तो शायद यार किसी शॉप में भी मैंने देखा नहीं कि इतनी ज़बरदस्त बनता है, फ्राई होता है, तो काफ़ी इसी की वजह से ये काफ़ी क्रिस्पी भी होता है ना। तो भैया ये ऑर्डर पैक करें, हमको ऑर्डर दिखाएंगे आप किस टाइप से पैक कर दो। ये कौन सा है ऑर्डर? ये चिली गार्लिक पॉप्स है, तो ये टिश्यू पेपर टाइप का पेपर है ताकि इसमें ऑयल जो है वो सोख हो सके। मैक्सिमम शॉप में आप देखते हैं कि पेपर इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर, तो जो ऑयल का बना हुआ रहता है ना वो उसकी जो इंक रहती है, अब इंक की वजह से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होते हैं पेट के, तो वो ये गोली वड़ा पाव ने एक अच्छा कॉन्सेप्ट लाया कि प्लेन पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि कस्टमर को एक बेहतरीन स्वाद मिले, टेस्ट बरकरार रहे और ऑयल भी वो थोड़ा सा शक कर ले उसमें।
एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है। यहाँ पे रखा है मेयोनीज, कुछ चटनियाँ, उनके कुछ सीक्रेट फार्मूले जो चटनियाँ है, और यहाँ पे जैसा कि एक सैंडविच का ग्रिल टाइप का है तो वहाँ पर भी वो कुछ बना रहे हैं बटर वगैरह लगा के। काफी नीट एंड क्लीन है दोस्तों, ये देखिए आप, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा है नितिन भाई ने, दोनों भाई लोगों ने काफी अच्छे से इनको मेंटेन किया है। वॉश बेसिन भी अच्छी है, वहां पर भी साफ सुथरा रखा है, ग्रीस ये सब आइटम। तो भैया इसको समय कितना लगता है वैसे इसको फ्राई होने के लिए? 5 मिनट, बस 5 मिनट में रेडी है। और ये जो पाव है मेरे पीछे में देख रहे हो, पाव भी काफी फ्रेश है ना? पूरे फ्रेश है। देखिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। ये पाव की क्वालिटी देखिए दोस्तों, ये इतना फ्रेश है, स्पंजी है और प्रॉपरली पैक है, ऐसा नहीं कि डस्ट है, कहीं मक्खी ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी पॉश है ये। तो ये ऑर्डर ऐसा इनका बन गया है। पॉलीथीन तो दोस्तों बैन हो गई है, तो ये पेपर मटेरियल भी इस्तेमाल करते हैं, टाइप से काफ़ी अच्छी पैकिंग। ये ऑर्डर कहाँ ऑनलाइन, कौन से ऑर्डर, स्विगी पे जा रही है या जोमेटो? तो ये स्विगी पे जा रही है। ये पाउचेस कौन से? अच्छा है ये सॉस पाउचेस, ये डाल रहे हैं टोमेटो सॉस पाउचेस। और इनका टिश्यू पेपर भी है, ये अच्छी क्वालिटी का है। इधर साइड में भैया का एक दूसरा ऑर्डर भी चल रहा है। अच्छा ये जो वड़ा था, अभी ये वड़ा डाल दिए इन्होंने। ये देखिए ये जो वड़ा है इटालियन वाला, जो इस टाइप से उन्होंने ट्राई किया। ये अभी प्राइस पेरी पेरी पैक हो रही है यार, सभी ऑनलाइन ऑर्डर थे। ये भी काफ़ी फास्ट हुआ है, आपके सामने ही ऑर्डर आया और उन्होंने तुरंत में ऑर्डर जा रहा है अभी। ये इस टाइप से इनका काउंटर है। कुछ यदि आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लगती है तो कोल्ड ड्रिंक भी अवेलेबल हो जाएगी अच्छी तरह से। नंबर क्या है आपका? 8613। एक्स्ट्रा सॉस लगा तो इसका सॉस भी है और एक्स्ट्रा चटनी भी है। तो दोस्तों मेरा वड़ा पाव रेडी है और ये भैया अभी ला रहे हैं। वाओ इसका देखेंगे, काफ़ी प्यारा लुक है वड़ा पाव का। देखिए 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 कितना प्यारा लुक है। इसका नाम है पनीर इटालियन वड़ा पाव। तो पनीर इटालियन वड़ा पाव, इसमें हम देखेंगे पनीर, ये क्या लगा है, मेयोनीज। यहाँ पे मेयोनीज, ये जो इटालियन जो बोल रहे हैं ना, तो इसमें इटालियन में इसका जो ये जो वड़ा है ना, काफ़ी स्क्वायर टाइप में, ये चौकोना है और इसमें पनीर भी ऐड किया। देखिए काफ़ी मेरा हाथ भी लग रहा है आपको यहाँ से, अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। तो इसके साथ में है एक मिर्ची और टिश्यू पेपर और ये अपना सॉस। तो ये अभी डिश रेडी है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सॉस है अगर लगा तो हम ले सकते हैं यहाँ से, और ये आपको मिल जाएगी एक्स्ट्रा चटनी। तो ये तो मैं तो पूरा इसका इस्तेमाल करूँगा, मैंने ये भी पूरा सॉस डाल दिया लबालब, और चटनी का भी मैं पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए कितना भी लो कोई टेंशन नहीं है, चटनी भी बहुत लाजवाब है। तो ये पूरा भर भर के अभी हम खाएंगे। इसको ऐसा अच्छे से डुबो डुबो के खाओ, ऐसा बना के खाओ, ऐसा बना के खाने से पूरा मज़ा और दुगना हो जाएगा।
हुआ दोस्तों, काफ़ी सुपर टेस्टी और बहुत अच्छा लगा, मज़ा है। तो अभी हम भैया से, हमारे जो निखिल भैया है, निखिल भैया ये अपना ये शॉप है, ये इसका टाइमिंग कैसे क्या रहता है? ये सुबह अपने 11 बजे खुलती है, सुबह के मॉर्निंग और शाम को रात के 11 बजे, अच्छा 12 घंटे अपन चला। तो काफ़ी अच्छी बात है कि रात के 11 बजे तक के रहता है, यानी कोई देर से भी आए तो भी उसको मिल जाएगा। जैसे मैं आज आया था, मैं देर से आया लेकिन मेरे लिए उन्होंने खास बना के दिए। एक्चुअली शॉप क्लोज हो रहा था लेकिन उन्होंने मेरे लिए खास करके बना दिए, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे दो निकिल है दोस्तों, एक ये भी निकिल है और हमारे पीछे में जो हमारे खूब है भाई साहब, वो भी निकिल है, उन्होंने काफ़ी प्यार से बनाए तल के दिया था, तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनका जो आपको कभी आना रहा, कॉन्टैक्ट नंबर है ये यहाँ पे पॉम्पलेट में लिखा है दोस्तों, इनका ये तो लिस्ट हो गई, इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर जो है और एड्रेस देखिए आप, ये है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक ऑनलाइन ऑर्डर के लिए ये जो नंबर है और डिलीवरी के लिए ये नंबर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। वैसे मैं बोल के भी दिखाता हूँ, डिलीवरी का है 9923750185, और यदि आपको ऑनलाइन चाहिए तो उसका है 9960777552, और ये है इसका एड्रेस। ओके तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गुड नाइट।